नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। वेदर न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें, चक्रवाती तूफान असानी आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र में अपना असर दिखाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल और उड़ीसा के समुद्री इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कई जगहों पर बारिश भी होगी। तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। वहीं 11 से 13 मई तक यहाँ बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग केंद्र के भुवनेश्वर ने बताया कि चक्रवाती तूफान असानी पिछले 6 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। ये फिलहाल पुरी के करीब 590 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम और गोपालपुर के उड़ीसा से लगभग ये 510 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी में ये आ चुका है। वहीं असानी चक्रवाती 10 मई की रात तक उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ना जारी रहेगा। इसके बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में उड़ीसा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाएगा। अगले 24 घंटे में इसके कमजोर पड़ने की जो संभावना भी है। वहीं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से उठा असानी चक्रवात के अगले 24 घंटे में उड़ीसा समुद्र तट पहुंचने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का असर उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ व अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिलेगा। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना भी है। साथ ही उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त ने बताया कि चक्रवात असानी वर्तमान में दक्षिण पूर्व अंडमान में है, जो उत्तर पश्चिम दिशा से आगे बढ़ रहा है। वहीं 10 मई तक उसी दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद ही है। वहीं बता दें, बाद में ये विशेष रूप से उड़ीसा के समानांतर आगे बढ़ेगा। 11 मई शाम तक पुरी के दक्षिण में ये पहुंचेगा। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात असानी आज की शाम तक चक्रवात असानी उत्तर आंध्र प्रदेश व उड़ीसा के समीप समुद्र में पहुंचेगा। हालांकि यहां से ये उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। साथ ही बता दें, उड़ीसा में स्थल भाग से ये नहीं टकराएगा। हालांकि चक्रवात के प्रभाव से 2 दिन तटीय उड़ीसा में तेज हवा के साथ भारी बारिश होगी। ऐसे में सभी बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है। चक्रवात को देखते हुए मछुआरों को समुद्र से लौट आने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बता दें, विशेष राहत आयुक्त ने कहा है कि उड़ीसा के लिए 11 मई महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। वहीं प्रभावित जिलों में ये ऑर्ड्रॉफ और एनडीआरएफ की 10 टीमें भेज दी गई हैं। इसमें ऑर्ड्रॉफ की 9 एवं एनडीआरएफ की 1 टीम शामिल है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से लगे क्षेत्र मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से यह हल्की से मध्यम बारिश वहां हो सकती है। साथ ही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के हिस्से, झारखंड, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक और ये रॉयल सीमा में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम हिमालय पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो वेदर न्यूज में अभी बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।